सो हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु इंस्टीट्यूट। दिस इज शिखर खरे और आज हम लोग हैं अपने ग्रेविटेशन के लेक्चर नंबर 5 में। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर लेक्चर नंबर 5 क्या रह गया था। बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, ये है एनसीईआरटी क्वेश्चंस। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था उसके क्वेश्चंस लगाने बाकी रह गए थे हम लोगों को। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपडेट कर दिया था, है ना। और हम लोगों का जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन रह रहा था। ठीक, या ये कह लेते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस रह रहे थे वो हम लोगों के बचे हुए थे। ठीक है, तो अब हम, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि मैं जो भी लेक्चर या मान लीजिए वीडियो बनाऊंगा, है ना, रिलेटेड टू सॉल्व एग्जाम्पल्स या सॉरी जो क्वेश्चंस हैं हमारे एनसीईआरटी के उसके लिए, ठीक है, तो वो मैं अलग से ही पूरे वीडियो को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये जो हम लोगों का वीडियो शुरू हुआ है ये है हम लोगों का बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चंस। ठीक है, कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हमारे मेंशन हैं, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो चाहे हमारे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हो। देखिए, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन तो मैं हमेशा जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़ाता हूँ उसी में ही ले लेता हूँ, तो हम लोगों का जो बेसिकली रह जाता है वो जाता है इन टेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग जो है आराम से धीरे धीरे सारे इंटेक्स क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि कौन सा इंटेक्स क्वेश्चन क्या कहता है, उससे हम लोगों को क्या हम लोगों को आंसर वहाँ पे लिखना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बच्चों की इंटेक्स क्वेश्चन से ही सारे हम लोगों के जो पेपर होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है, क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो हम लोगों को आज इंटेक्स क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आज हम लोगों को इंटेक्स क्वेश्चन करना है, राइट, इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्यूशन, राइट, इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोगों का आज है, है ना। तो इसमें हम लोगों का जो चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को ताकि हम लोगों को जो है अच्छे से चीजों को क्लियरेंस हो जाए। चलिए, ओके, आराम आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, कुछ नहीं। चलिए, ओके, चल, तो अगर हम लोग देखें तो ये है हमारा पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, ये हमारा पहला इंटेक्स क्वेश्चन है। जो भी यहां पे मेंशन है वो चीजें हम लोग जो है धीरे धीरे अच्छे से समझते हैं चलेंगे। ओके, यस, तो यहां तक होप सो आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चल, ओके, तो अगर हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बेटा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, देखो ये जो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सॉल्व करने वाले आपको मिलेंगे कहाँ पे, एक्सरसाइज में। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन में आपसे जनरली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, जिसका, या मान के चले थोड़े फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसका आपको ध्यान से आंसर करना है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेट करने कह रहा है। तो देखिए, आप सबको याद होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, यूएलजी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है हमारा, वो बेसिकली क्या था, वो था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है,
दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर मान के चलिए ये एक ये दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास है एम वन और इसका मास है एम टू, तो और ये मान के चलिए एक एक डिफाइंड डिस्टेंस आर में है, है ना। तो मान के चलिए अब इनका इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि F इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोगों का क्या लिखा हुआ है कि स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, तो यहाँ इस फॉर्मूले को देख करके आपको समझ में आता है कि द यूनिवर्स, तो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या लिखेंगे बेटा, वो ये लिखेंगे कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and this is inversely proportional to the square of their distance between them, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो आप उसको क्या मेंशन करेंगे कि इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो हालांकि इस फॉर्मूले से आपको ये समझ में आ जाता है कि जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, और यहाँ पे जब ये फोर जब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे जी एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे एम वन एंड एम टू अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से अगर हम देखें तो हमको ये समझ में आएगा कि अगर इनका जो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस है जितना बढ़ेगा उस हिसाब से हमारा यहाँ पे फोर्स बढ़ेगा और जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतना फोर्स यहाँ पे घटेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आता है मास और डिस्टेंस बिटवीन देम का, एक फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबको समझ में आ गया होगा। इस जी की अगर हम बात करें बेटा, तो ये जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से यहाँ पे मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए कोई भी मौका या कोई भी पॉइंट ऐसा मत छोड़िए जिससे कि आपके नंबर काट लिए जाएं, ठीक है। तो आराम से धीरे से बहुत आराम से क्वेश्चंस को पढ़ें और उसके सॉल्यूशंस को यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। होप सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलिए फाइन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, यस राइट, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट, ठीक है। मान के चल लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मैं मास की बात करूं, दिस एम इज डिनोटेड ऑफ मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और दिस स्मॉल m इज डिनोटेड मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। r की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस, ठीक है, g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके,
तो ये सारी चीजों के बाद अगर यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा तो आप सबको पता है कि फॉर्मूला यहाँ मेंशन होगा एफ जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है, तो अब अगर आप इस चीज़ को देखें तो आप लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ खास लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो इसका आपको ध्यान ये देना है कि आप जो भी चीज़ एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं वो बहुत ध्यान से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, एनसीईआरटी पे जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ते जाएं ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं और प्रॉपरली जो है यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। राइट, चलिए, ओके। तो होप सो यहाँ पे सब आपको क्लियर हो गया होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोगों का ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आते हैं इससे ऊपर। अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा ये मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दिए थे। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपके क्वेश्चंस हैं वो जो मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा हूँ वो है आपके एग्जांपल्स, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे लेक्चर के ही टाइम पे। ये सब क्वेश्चंस मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने इसका आपको फॉर्मूला वगैरह सब कुछ बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दोबारा से डिस्कस करने का कोई तुक नहीं बनता है। ठीक, तो अब जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो है हम लोगों का ये वाला पोर्शन, है ना, जो हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस फॉर्म हमारे यहाँ पे बच रहे हैं। ठीक है, चलिए, यस, ओके। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वॉट डू यू मीन बाई फ्री फॉल। अब ये आपसे ये पूछता है, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछता है वॉट डू यू मीन बाई फ्री फॉल, कि फ्री फॉल है क्या, फ्री फॉल है क्या, ये आपसे पूछता है ना। तो अब देखो फ्री फॉल क्या है इसका आपको बताना है आंसर। तो जितना आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा उतना आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि अर्थ की एक आदत है जिसको हम लोग कहते हैं टू अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टू इट्स सेंटर। ठीक है, दूसरी चीज क्या आएगी, सेंटर पे अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या आएगा कि व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कह लीजिए या ग्रेविटी कह लीजिए, तो उस चीज को हम लोग फ्री फॉल का केस कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को क्या समझ में आया कि यस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, और फ्री फॉल में अर्थ का काम हमेशा क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचना। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचना, तो इस चीज को हम लोग जनरली फ्री फॉल कहते हैं। तो फ्री फॉल के केस में बच्चों आप लोगों को ऑलरेडी मैंने ये चीज मेंशन करा दी थी कि जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फ्री फॉल का केस, तो उसी टाइम पे
मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि फ्री फॉल का मतलब होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है? तो मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को तीन इक्वेशंस बताए थे, ठीक है, जहाँ पे ऐसी सिचुएशन में ए इज इक्वल टू जी हो जाता है। तो पहली सिचुएशन थी हमारी वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी प्लस माइनस जी टी, फिर सेकेंड में था एच इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी था हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। ये तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं फ्री फॉल के केस में। मैंने आपको बता दिया था कि फ्री फॉल के केस में जनरली, अब वो फ्री फॉल का मतलब अगर हम ध्यान दें तो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं हम लोग कंसिडर करते हैं अपवर्ड वाली मोशन को भी अंडर मोशन ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, अब ये ऊपर जाएगा उसके बाद ऐसे वैसे वापस लौट के अपनी इस पोजीशन पे आएगा, मतलब जैसे गया था उस पोजीशन पे वापस आएगा, तो इस सिचुएशन को भी हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी इसलिए भी मानते हैं, भले ये ऑल्दो फ्री फोर्स फ्री फॉल का केस नहीं माना जाएगा, बट फिर भी काउंट किया जाता है, क्योंकि रीजन है फ्री फॉल का मतलब क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ये ऊपर जा रहा है तो भी तो इसके ऊपर ग्रेविटी वर्क कर रही है, ये ऊपर जा रहा है तो भी ग्रेविटी इसके ऊपर वर्क कर रही है, तो यहाँ पे इसको मोशन अंडर ग्रेविटी भी बोलते हैं। समझ में आ गया मेरी बात? तो फ्री फॉल का केस आप सबको समझ में आ गया होगा कि मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? तो होप सो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बेटा, देखो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या यहाँ पे मतलब है समझ लो, ठीक है? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यहाँ पे बात हो रही है, वो बेटा बात हो रही है कि यहाँ पे, वो देखो यहाँ पे ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब है, अगर इस वर्ड को पकड़ लो, देखो इसका आंसर मैं बहुत सीधा सीधा दे सकता हूँ, लेकिन ये जो भी मैं यहाँ पे इतना तोड़ मरोड़ कर रहा हूँ क्वेश्चंस को लेके, वो मैं आपकी वजह से कर रहा हूँ, ठीक है? ओके ना, तो ये जो तोड़ मरोड़ मैं कर रहा हूँ ये आपकी वजह से ही कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और ताकि आप कुछ बेसिक चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाओ, ताकि क्वेश्चन आप लोगों को क्लियरिटी बनी रहे। तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्ड क्या यहाँ यूज हो रहा है, एक्सिलरेशन ड्यू टू यानी कि ग्रेविटी की वजह से होने वाला एक्सिलरेशन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब निकल के आ रहा है कि ग्रेविटी की वजह से होने वाला एक्सेलरेशन। अब इसका क्या मतलब है सर, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो यहाँ पे इसको बेटा इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, आप इसका आंसर अपनी लैंग्वेज में जो भी आपको ठीक लगता है वो आप अपने हिसाब से उसको लिख लीजिएगा। मैं आपको आंसर एक दूसरे आपको मैं इस साइड से बता देता हूँ कि आपको आंसर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सिनेरियो क्या है, अब जैसे मान के चलिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, हाँ ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहा है। तो अब जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, ये जब नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, अब देखो ये डायरेक्टली नीचे जाता चला जाएगा, ठीक है? ये हो गई आपकी फ्री फॉल की सिचुएशन। कैसी हो गई, फ्री फॉल की सिचुएशन। अब जब फ्री फॉल में जाता है
तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, यहाँ पे क्या होता है कि इसकी हर पॉइंट पे मैंने आप लोगों को मार्क भी कराया हुआ है कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल के केस में जाती है, जब भी बॉडी ऊपर से फ्रीली फॉल हो रही होती है, तो वैसी सिचुएशन में क्या होता है कि वेलोसिटी में चेंज किस वजह से आता है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज इसलिए आता है क्योंकि हर पॉइंट पे स्पीड बदल, हर पॉइंट पे इसका मतलब ये जो वेलोसिटी में चेंज आता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे किस में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है। कि अब देखो क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज यहाँ हो ही नहीं रही है, डायरेक्शन तो चेंज यहाँ हो ही नहीं रही कि वेलोसिटी में चेंज आ जाए, तो डायरेक्शन तो एक ही है कि नीचे डायरेक्शन में गिर रहा है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, अब आप खुद सोचो, आपने अभी एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू आर स्क्वायर में पढ़ा है कि एफ इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आएगा कि अगर जितनी डिस्टेंस कम होगी फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तो अभी जैसे मान लो अभी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी यहाँ पे है, तो अब ये देखो डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन मान के चलो थोड़ी देर बाद फोर्स ये बॉडी इस इंस्टेंट पे होगी, तो अब इसके मुकाबले ये डिस्टेंस कम हुई ना, तो अब इस पोर्शन पे फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो अब क्योंकि हर इंस्टेंट पे फोर्स बदल रहा होता है, फोर्स की मैग्नीट्यूड बदल रही होती है, इस वजह से यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आता है। समझ में आई मेरी बात? इस वजह से यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आता है बच्चे, ठीक है। तो और एक बार अगर वेलोसिटी में चेंज आ गया तो वो चीज आपकी क्या बना देगी, एसिलरेशन बना देगी, ठीक है। वो चीज आपकी क्या बना देगी, एसिलरेशन बना देगी। अब ये एसिलरेशन, क्योंकि ये एसिलरेशन अराइज हुआ है, अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ velocity magnitude of velocity by the gravitational force or gravity that is why it is called acceleration due to gravity. That is why this is called acceleration due to gravity. क्यों? क्योंकि जो gravitational force लग रहा होता है ना, उसकी वजह से velocity में, गिरती हुई body के velocity में change आता है, और इस वजह से जो है इसका नाम क्या रखा जाता है, acceleration due to gravity, right? होप सो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाया है, यहाँ पे मैंने चीज़ें मेंशन कर दी हैं, आप इसको अपनी लैंग्वेज में तोड़ मरोड़ करके जो आपको लिखना होगा, लेकिन हाँ इसका ध्यान रखना, ये चीज़ आपको मेंशन करनी ही करनी है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और द ग्रेविटी, सो ड्यू टू दिस चेंज इन द वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज अराइज, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जब आता है तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे फिर एक्सेलरेशन, जैसे ही चेंज इन वेलोसिटी होगा एक्सेलरेशन तुरंत आ जाएगा, और ये एक्सेलरेशन क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी की वजह से हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दो क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखे डिस्कस करी हुई थी, यस। अब आते हैं हमारे इन क्वेश्चंस के ऊपर। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट।
अब देखो जब भी डिफरेंस लिखोगे तो हमेशा ऐसे बीच में लाइन लगा के करोगे, डिफरेंस को लिखने का तरीका ही यही होता है, नहीं लिखोगे नंबर काट लिया जाएगा। मास एंड वेट, तो पहली बात तो बुक में ही मैंने मार्क कराया हुआ था कि मास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। दूसरा SI यूनिट की अगर हम इसके बात करें तो ये किलोग्राम्स में होता है। तीसरा अगर हम यहाँ पे बात करें तो इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन दी ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर एक चीज चाहो तो और मेंशन कर सकते हो, मेजर्स द इनर्शिया, क्योंकि आप लोगों ने इनर्शिया में ये चीज बहुत पढ़ी है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ये सारी चीजें, तो इसलिए ये भी एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें वेट की, तो पहली बात तो देखो वेट क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, दूसरी बात इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, एन से आप डिनोट करोगे। तीसरा क्या होता है, अब देखो यहाँ पे नॉट अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी SI यूनिट, अब यहां पे क्या है, दिस इज अ फोर्स बाई विच दी अर्थ अट्रैक्ट दी अदर ऑब्जेक्ट। समझ में आई मेरी बात, ये चीज यहां पे मेंशन की जा सकती है। ठीक है, होप सो यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए। अब क्या होता है कि ये तीन चार चीजें हो गई, इसमें एक चीज आप और मेंशन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, M+D, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये रहा मास और वेट के पीछे का एक बेसिक डिफरेंस। ठीक है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, नंबर मिल जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब भी डिफरेंस लिखा होगा या डिस्टिंग्विश लिखा होगा या डिफरेंशिएट लिखा होगा, वहाँ पे आपको हमेशा इस तरह से लाइन बना करके ही डिफरेंस शो करना है। कभी भी लाइन बाय लाइन पैराग्राफ की तरह मत लिखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, कटेगा अलग से। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ये आई थिंक सो रिलेटेड है आपके वेट मून के ऊपर। हाँ ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाई इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 टू इट्स वेट्स ऑन द अर्थ। ठीक है, अब देखो ऐसा यहाँ पे अगर बात यहाँ पे देखी जाए तो सारा कुछ मास का खेल है। ठीक है, सारा कुछ किसका खेल है बेटा, मास का। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अब देखो आपको पता है कि जो मास ऑफ द अर्थ है, जो मास ऑफ द अर्थ है इज ग्रेटर देन मास ऑफ द मून है, ये आप सबको अच्छे से पता है। ठीक है, अब क्या होता है अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं, है ना, या वेट की बात करूं। अब वेट क्या होता है, एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, या अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूं तो अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मान के चलिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, सपोज एम इसका मास है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक बारी इसी एम मास को अर्थ खींचता है, ये रहा अर्थ। ठीक है,
और सेम इसी मास को एक बार खींचता है हमारा मून, ठीक है। अब देखो यही तो होगा, जिस जिस फोर्स से इसको खींचा जाएगा इस डायरेक्शन में वही तो वेट होगा, समझ में आ रही मेरी बात। तो अब क्या होगा कि अब मास क्योंकि सेम है, बदलना मास बदला कहाँ पे है, अर्थ और इसके बीच में मास बदल गया, ठीक। तो अब अगर यहाँ पे आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिसका ज्यादा मास होगा ये ज्यादा ताकत लगा के इसको खींच लेगा। ये बहुत कॉमन सी बात है भाई, सीधी सी बात है। अगर आप किसी ठेले को या किसी भी एक हैवी बॉक्स को मान लीजिए आप खींच रहे हैं, ठीक है, आपका वजन है 70 किलो, आप उसको खींच रहे हैं, वो आपसे नहीं खिंचा रहा है। लेकिन हो सकता है अगर कोई 200 किलो का आदमी आ जाए उसको पकड़ के खींच लेगा, या आपसे दमदार व्यक्ति आएगा उसको पकड़ खींचेगा, तो हो सकता है वो आपके मुकाबले ज़्यादा फोर्स लगाएगा खींचने में, ठीक है। तो वो आपके मुकाबले ज़्यादा फोर्स लगाएगा खींचने में, आप कम लगाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक रेशियो से फोर्स वहाँ पे कम हो रहा है। देखो ऑब्जेक्ट खींचा, उस ऑब्जेक्ट जो मास है जिसको खींचा जा रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास सेम है दोनों के लिए, आपके लिए भी और जो आपसे ज्यादा ताकतवर है उसके लिए भी। लेकिन यहाँ पे चेंज किस में हो रहा है, जो आदमी खींच रहा है, ठीक है। तो जो ज्यादा ताकतवर होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, जो कम ताकतवर होगा वो कम फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वहां पे एक रेशियो में ऑब्जेक्ट, एक रेशियो में फोर्स बदल जाता है। अब जैसे यहाँ पे अर्थ है, अर्थ ज्यादा ताकत लगाएगा, ये मून है वो थोड़ा सा कम ताकत लगाएगा, ठीक है। तो ये जो चेंज आता है ये आता है 1/6 का। क्यों आता है? अब क्योंकि देखो अब अगर मैं बात करूं तो जो मून का मास है ये 1,000 टाइम्स ऑफ अर्थ का मास है, ठीक है। और अगर मैं रेडियस की बात करूं तो दिस इज 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, दिस इज मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वैसी सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि मास हमारा जो है अर्थ का ज्यादा है और मून का मास कम है। तो वैसी सिचुएशन में 1/6 का डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये एक चीज आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको लगता है कि आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप यहां से जो है आप इस पे से भी कर सकते हैं ये चीज। ये देखिए ये जो चीजें यहाँ मेंशन है ना, यहां से भी आप आंसर को उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, ये जो पोर्शन है ये मैंने ऑलरेडी बुक में मार्क भी करवाया था आप लोगों को, इसीलिए देखिए इसीलिए मैं चीज़ों को मार्क करा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ओके, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, ठीक। तो मास और रेडियस क्योंकि हमारा अर्थ से कम है मून का, इस वजह से वेट भी या फोर्स या खींचने की फोर्स यानी कि ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का फोर्स भी जो है मून कम लगाएगा एज कम्पेयर टू अर्थ। तो वो रेशियो कितने का होता है? 1/6 का आता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोगों ने ये दो क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? वाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। हाँ, ये ऐसा क्यों होता है? ये आपसे कह रहा है कि अगर किसी भी स्कूल बैग का जो स्ट्रैप है अगर वो थिन है, ठीक है, मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैप तो और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग है, तो उसको क्या क्यों इतना वो डिफिकल्ट होता है उसको होल्ड कर पाना? रीजन है इसके पीछे का, अगर हम रीजन बात ये याद करें तो सीधी सी बात है बेटा कि देखो सीधी सी बात, अगर हम प्रेशर की बात करें तो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता है अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और एरिया ज़्यादा अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर
कम लगेगा, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो, अगर एक पतली सी स्ट्रिंग है, सपोज ये देखिए ये एक पतला सा स्ट्रिंग है ना, तो अब इसका एरिया देखिए कम है ना, इसका एरिया कम है, ठीक है। तो अब एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक। लेकिन अभी ये चौड़े पट्टी का होता, सपोज अगर जैसे इतना इसका स्ट्रैप होता, यानी कि एरिया बढ़ा दिया जाता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता, प्रेशर यहाँ पे डाउन हो जाता, समझ में आ गया। तो इस वजह से जो है इसको होल्ड करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम बात करें तो एक क्वेश्चन एक उसमें लिख सकते हो बिकॉज ऑफ प्रेशर अप्लाइड, शोल्डर, दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप, हैविंग अ थिन स्ट्रैप एंड विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है। इस वजह से होता है, क्यों, क्योंकि अगर आप प्रेशर का रिलेशन देखिए, एफ इज इक्वल टू सॉरी पी इज इक्वल टू एफ ए के पी इज इक्वल टू एफ बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, और प्रेशर और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर थिन है तो वहाँ पे एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इस वजह से उसको डिफिकल्ट होता है होल्ड कर पाना। ये मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ओके चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय ब्योयेंसी। अब देखो मीन बाय ब्योयेंसी यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्योयेंसी। अब देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी, ब्योयेंसी यहाँ पे आता है अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स, ब्योयेंसी का मतलब अपवर्ड फोर्स होता है, कब, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी भी लिक्विड में या किसी भी फ्लूइड में हम लोग उसको पार्शियली या कंप्लीटली उसको हम लोग डिप करते हैं, ठीक है, तो एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो कि पानी द्वारा लगाया जाता है, जो कि पानी द्वारा या फ्लूइड के द्वारा उसके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जाता है, जिसको हम लोग ब्योयेंसी कहते हैं या ब्योयंट फोर्स कहते हैं। अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड ब्योयंट, ब्योयेंसी और ब्योयंट फोर्स, ठीक है, तो ये अपवर्ड फोर्स होता है, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का ये आखिरी सवाल होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं, चलिए, व्हाट डज एन व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ मीडिया। यस, अब देखो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी इसलिए आप लोगों को बुक में मार्क करा दी, देखो सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, ठीक है। सीधी सी बात है, सारा खेल डेंसिटी का है, सारा खेल डेंसिटी का है। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर हो गई, तो वैसी सिचुएशन में बॉडी सिंक कर जाएगी, ठीक है, बॉडी डूब जाएगी। लेकिन अगर उसी सिचुएशन मान लो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर हो गई, बॉडी तुरंत तैर जाएगी, फ्लोट कर जाएगी, यही सिचुएशन है, और कोई दूसरी बात ही नहीं है बॉडी को डुबाने की और बॉडी को फ्लोट कराने की, ठीक है। तो गाइस होप सो आप लोगों को आज का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम लोग इसको और कवर करेंगे और क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, हमारे जो एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंड
इससे और भी हम लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। ये तो अभी हम लोग ने स्टार्ट किया, तो पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे। इसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी और भी जो हम लोग के चैप्टर्स होते जाएंगे उसको हम लोग कवर करते जाएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।